हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचीफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएसएससी जेई का जो एग्जामिनेशन हुआ 19 दिसंबर 2021 में, उसमें जो जनरल अवेयरनेस में 35 क्वेश्चन पूछे गए, उन नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये सेशन लाने का मोटो यही था कि आप लोगों को पता चले कि रिसेंटली जो एग्जामिनेशन हुआ 2021 के दिसंबर में, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस को कवर अप किया गया है, उस 35 क्वेश्चन को किस तरह बाइफरगेट किया, कितने करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे, कितने स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पूछे, किस तरह साइंस पूछा गया, किस तरह हिस्ट्री के क्वेश्चंस कवर अप किए, ये आप लोगों को कंप्लीटली एनालाइज करना है। एंड अकॉर्डिंगली आपकी जो एग्जामिनेशन होने वाली है 2022 में 30th of January को, उसके लिए आप लोगों को प्रिपरेशन करना है। आने वाले डेज में आप लोगों के लिए मैं जो है वो डिफरेंट सेशंस लेकर आने वाली हूँ, तो उस सेशंस को आप लोगों को फॉलो करना है आप लोगों की एग्जामिनेशन के लिए। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें रिकमेंड करना चाहूँगी कि आपको जनरल नॉलेज जो इंटेलिजेंस है उसके लिए कौन से सेशंस को मेरे फॉलो करना होगा, कौन से ई बुक्स को फॉलो करना होगा, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो सही तरीके से हो। अगर आप लोग ये सेशन देखते हो और इसमें जो कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जामिनेशन में दिसंबर की, तो उसमें के कुछ क्वेश्चंस या फिर उसमें का जो जिस डेटा से क्वेश्चंस उठाए गए थे, वो सारे आप लोगों को हमारी जो एक हमने न्यू ई बुक बनाई है नॉन टेक्निकल जनरल अवेयरनेस की ई बुक, इसमें आप लोगों को देखने मिलेंगे। इसमें काफ़ी सारा डेटा है जिसमें स्टैटिक जीके आता है, हिस्ट्री आता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर एंड स्पोर्ट्स, तो इनसे रिलेटेड सारा डेटा एंड वन लाइनर क्वेश्चन एंड एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो है आप लोगों को इस ई बुक में नजर आएंगे। तो ये ई बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी आने वाली इस एग्जामिनेशन के लिए। सो अगर आप लोगों के पास ये ई बुक नहीं होगा तो आप इस ई बुक को जरूर परचेज कीजिए, डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। आप लोगों को इस ई बुक जब आप इसे परचेज करोगे तो आपको कूपन कोड अप्लाई करना है फ्लैट 40 का, तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस ई बुक को आप लोगों को परचेज करना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। अदरवाइज आप कोचीफाई का एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी स्टडी मटेरियल में जाकर ई बुक के ऑप्शन में जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है करंट अफेयर की। आपको आप ये वीडियो अगर देखते हो तो आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे गए थे दिसंबर में, एग्जामिनेशन था, लेकिन आप देखते हो इस सेशन को तो आपको पता चलेगा कि जनवरी से क्वेश्चन पूछे गए, अप्रैल मंथ से क्वेश्चन पूछे गए, दैट मीन्स कि 12 महीने पहले के क्वेश्चंस पूछे गए। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है जिस वे से आपका एग्जामिनेशन 30th of January को है, तो आपको भी जो करंट अफेयर प्रिपेयर करना है वो काफ़ी पिछले महीने का करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है मैंने कुछ सेशंस प्रोवाइड किए, आप सेशंस देख सकते हो। सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 4 महीने के सेशंस का जो लिंक है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, जिसमें काफ़ी थरली मैंने 4 महीने के करंट अफेयर प्रिपेयर करवाए, जिसमें 400+ क्वेश्चंस हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपकी आने वाली एग्जामिनेशन के लिए, आप सेशंस को गो थ्रू कर सकते हो। अगर आप लोगों को इसका ई बुक चाहिए तो आप ई बुक भी आप लोगों को कोचीफाई के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आप लोगों को जिस मंथ का चाहिए आप कन्वीनियंटली ले सकते हो, सिर्फ दिसंबर का भी अवेलेबल है, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर का भी अवेलेबल है, एंड ये चारों मंथ का अगर आप कंबाइन लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा अगर आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना है। बहुत सिस्टमैटिक वे में आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हो पहले, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, और काफ़ी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने कवर अप की है, ठीक है। अब ये बात हुई कम्प्लीटली जनरल अवेयरनेस के बारे में, 35 मार्क्स के बारे में। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर पढ़ना है, जो कि आपको एग्जामिनेशन में 30 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, सो कंप्लीट कंप्यूटर का जो आप लोगों का सिलेबस है, आप अगर ये दो सेशंस देखते हो, जिसका लिंक अगेन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये कंप्यूटर अवेयरनेस की 3 घंटे की मैराथन क्लास है जो कि सर ने ली है। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर के एब्रीवेशन जो पूछे जाते हैं, शॉर्टकट कीज पूछी जाती हैं, कुछ फाइल एक्सटेंशन पूछे जाते हैं, सो ये सारी चीज़ें उन्होंने कवर अप करवाई है। अगर आप 3 घंटे की मैराथन देखते हो तो आपका कंप्यूटर का जो ऑलमोस्ट सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। सो कंप्यूटर के अगर आपको सेशंस चाहिए तो काफ़ी सारे सेशंस जो है वो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप गो थ्रू कर सकते हो। लेकिन ये दो सेशंस अगर आप देखते हो तो काफ़ी सारा आपका पोर्शन जो है वो ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाता है। तो ये दो सेशन बहुत अच्छे हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपको इसका ई बुक चाहिए तो ई बुक भी आप कोचीफाई के एप्लीकेशन से ले सकते हो। सो हमने कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस का आप लोगों का जो
किस तरह पढ़ाई करना है मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। सेशंस भी अवेलेबल है, ई बुक्स भी अवेलेबल है, आपको जो कन्वीनियंट है आप वो ले सकते हो। आपके लिए स्टडी मटेरियल जो है ये दो सेक्शंस के लिए मैंने आप लोगों को दिया है एंड आने वाले डेज में आपको और जो सेशंस है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको रीजनिंग के लिए भी पढ़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ सेशंस मैं सजेस्ट करती हूँ। अगर आप वो ग्रो थ्रू करते हो तो डेफिनेटली आपका रीजनिंग का भी जो अलग अलग टॉपिक्स पर डिफरेंट क्वेश्चंस है मैंने ऑलरेडी कवर अप करवाए हैं, सो वो सारे आप देख सकते हो। ओके, सो ये था अबाउट कि आप लोगों को किस तरह स्टडी स्टार्ट करनी है, किस तरह आप लोगों को आपकी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। कुछ सेशंस थे, कुछ ई बुक्स थी जो कि मैंने आप लोगों को रिकमेंड की। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेशन की और देखते हैं कि रिसेंट जो पेपर हुआ 19th ऑफ दिसंबर को उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। सो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होगा, इन जनवरी 2021 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव टू कोरोना वायरस वैक्सीन बींग मैन्युफैक्चर इन द कंट्री फॉर रेस्ट्रिक्टिव इमरजेंसी यूज, आइडेंटिफाई दिस टू वैक्सीन करंटली बींग एडमिनिस्टर्ड फॉर ऑल पीपल 18 ईयर्स एंड अबव इन इंडिया। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन। तो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था कि जनवरी 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया दो कोरोना वायरस वैक्सीन को कंट्री में मैन्युफैक्चर करने के लिए, और उस वैक्सीन का नाम हमें बताना था कि जो कि 18 साल से ऊपर के लोगों को दिया जाएगा इंडिया में, तो वो है कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई वॉज मैरिड टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ झांसी। सो रानी लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने किसके साथ शादी की, जो झांसी के किंग थे कौन से किंग थे जिनके साथ उन्होंने शादी किया। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, गंगाधर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सो हमें यहाँ पे ये बताना है, हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है और हमें फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो हुआ था 1857 में उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, तो हमें बताना कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है एग्जैक्टली करेक्ट है। सो सबसे पहला ए जो है वो है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीपॉय म्यूटिनी। सो ये करेक्ट है, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ था 1857 में उसे सीपॉय म्यूटिनी भी कहा जाता है, तो ये करेक्ट है। इट वॉज स्टार्टेड इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये गलत है। वो स्टार्ट हुआ था मेरठ से, 10th of May 1857 में वो मेरठ से स्टार्ट हुआ था, इसलिए बी जो है वो गलत हो जाएगा। एंड सी है, इट वॉज वाइड स्प्रेड इन दिल्ली, आगरा, कानपुर एंड लखनऊ, येस इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए एंड सी आर ट्रू एंड बी इज फॉल्स, इसलिए ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ रिसीव एनर्जी फ्रॉम द सन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। सो हमें उस मेथड का नाम बताना है जिसके थ्रू हीट जो है वो ट्रांसफर होती है एंड अर्थ को रिसीव होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो वो है रेडिएशन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंडक्शन क्या होता है, कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनादर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। सो जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हीट और इलेक्ट्रिक करंट अगर वन सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर होता है उसे कहा जाता है कंडक्शन। एंड कन्वेक्शन क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ फ्लूइड दैट इज लिक्विड और गैस, इसे कहा जाता है कन्वेक्शन। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। एंड मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। सो ये थोड़ा डिफरेंट ही ऑप्शन था, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मिसाइल डेवलप इन इंडिया। इंडिया में पहला कौन सा मिसाइल डेवलप किया गया, उसका नाम क्या है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी। पृथ्वी वॉज द फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप बैलिस्टिक मिसाइल। ओके, सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड डैश। प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड के जो स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं उससे बनता है, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कुकिंग इन प्रेशर कुकर इज डन फास्टर कंपेयर टू अदर कन्वेंशनल मेथड। प्रेशर कुकर में जो कुकिंग करना है वो ज़्यादा फास्टर होता है एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स, इसका रीज़न हमें बताना था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंपल क्वेश्चन था, इंक्रीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनसाइड द कुकर इनेबल्स फास्टर कुकिंग। क्योंकि कुकर प्रेशर के जो कुकर होता है उसके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है, इसके वजह से जो है प्रेशर कुकर में कोई भी चीज़ जो कुक होती है वो जल्दी
पक जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंट इंडिया एट द 103rd डेवलपमेंट कमिटी मीटिंग ऑफ वर्ल्ड बैंक IMF हेल्ड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस इन अप्रैल 2021। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंडिया से कौन रिप्रेजेंट करेगा 103rd डेवलपमेंट कमिटी मीटिंग जो कि वर्ल्ड बैंक की है वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस, तो वो है निर्मला सीतारमन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूटी ऑफ इंडिया इज द किश्तवर नेशनल पार्क इज लोकेटेड। आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। सो किश्तवर नेशनल पार्क जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2017 साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द मोस्ट एंशियंट स्पाइरल गैलेक्सी इन द यूनिवर्स दैट एग्जिस्टेड जस्ट 2.6 बिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग। दिस गैलेक्सी इज नोन एज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए A1689B11। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि 2017 में जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर्ड किया था मोस्ट एंशियंट स्पाइरल गैलेक्सी, उसका नाम हमें यहाँ पर बताना था। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सियल पॉलिसी कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। तो इन्होंने जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इस पॉलिसी को जो है इंट्रोड्यूस किया था। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2021 इंडिया साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT कॉशन द यूजर ऑफ विच पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन अबाउट सर्टेन वल्नरेबिलिटीज डिटेक्टेड इन द ऐप दैट कुड लीड टू ब्रीच ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्हाट्सएप। इसके बारे में सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन था क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में चर्चा हुई थी। ठीक है, सो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि अप्रैल 2021 में इंडिया का साइबर सिक्योरिटी एजेंसी CERT ने इनमें से कौन सा पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है जिससे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का जो है उल्लंघन हो सकता था, तो वो थी व्हाट्सएप, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट एवर क्वाड समिट वॉज हेल्ड वर्चुअली इन मार्च 2021 कवरिंग एरिया लाइक वैक्सीन क्लाइमेट चेंज एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विच फोर नेशन वेयर पार्ट ऑफ दिस समिट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडिया US जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। सो ये फर्स्ट एवर क्वाड समिट थी जो कि मार्च 2021 में वर्चुअली हुई, जिस समिट में वैक्सीन क्लाइमेट चेंज एंड इमरजेंस जो टेक्नोलॉजीज है उसके बारे में डिस्कस किया गया, वो सारे टॉपिक को कवर अप किया गया। सो वो फोर नेशंस थे इंडिया US जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हेन ग्रीन लीफ इज सीन इन रेड लाइट इट विल अपीयर डैश। अगर ग्रीन लीफ को रेड लाइट में अगर देखते हैं तो वो जो है अपीयर करती है ब्लैक इन कलर, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जब भी ब्लू लाइट और रेड लाइट जो है वो एक ग्रीन लीफ के ऊपर पड़ता है तो वो ब्लैक कलर की नजर आती है, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2021 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज साइन एन एग्रीमेंट विद स्पेस agency of which of the following countries for cooperation on the country's first human space mission Gaganyaan. So question mein ye pucha gaya ki ISRO ne inme se kaun si country hai jiske saath jo hai agreement sign kiya hai for first human space mission Gaganyaan ke liye. So answer ho jayega option B France. To ISRO ne France ke saath jo hai एग्रीमेंट साइन किया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवर गोदावरी इमर्जेस फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। सो गोदावरी जो है वो महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकल के आती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2018 विच आर्म फोर्स ऑफ इंडिया लॉन्च एन इनोवेटिव मोबाइल हेल्थ ऐप नेम्ड मेड वॉच फॉर द प्राइम मिनिस्टर विजन ऑफ डिजिटल इंडिया आयुष्मान भारत एंड मिशन इंद्रधनुष। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडियन एयरफोर्स। सो 2018 में इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया था इनोवेटिव मोबाइल हेल्थ एप्लीकेशन जिसका नाम है मेड वॉच। सो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डेजर्ट सॉइल। सो डेजर्ट सॉइल के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है जो कि गलत है ये हमें बताना है। सो ऑप्शन ए में दिया है इट इज बेसिकली सैंडी सॉइल। येस इट इज करेक्ट बिकॉज डेजर्ट सॉइल जो होती है वो सैंडी सॉइल होती है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है इट रिटेन्स मॉइस्चर कॉन्टेंट। गलत, उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होता है, इसलिए ये जो है ये इनकरेक्ट है।
ठीक है, ये गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट सी में बोला इट इज लाइट इन कलर, यस ये भी सही है, वो लाइट कलर की होती है, इट हैज अ हाई सॉल्ट कंटेंट, ये भी करेक्ट है। सो यहाँ पे ए सी डी ये सारे सही है, एंड जो गलत है वो है ऑप्शन बी, इट रिटेन मॉइस्चर कंटेंट, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन द टाटा सन साइरस मिस्ट्री केस। सो हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बयान किया था टाटा सन साइरस मिस्ट्री केस में। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड टाटा सन्स डिसीजन टू सैक साइरस मिस्ट्री एज अ चेयरमैन एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है टाटा सन्स के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, चेयरमैन थे साइरस मिस्त्री, इनको बर्खास्त करने का जो कि टाटा सन्स ने फैसला लिया था उसको बरकरार रखा। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट जो सेंटेंस था वो करेक्ट था आउट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मूवमेंट विच इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ जनरल पब्लिक अवेयरनेस अबाउट फॉरेस्ट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चिपको मूवमेंट। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि हमें उस मूवमेंट को आइडेंटिफाई करना है जो कि जनरल पब्लिक अवेयरनेस बताता है फॉरेस्ट को लेकर, तो वो है चिपको मूवमेंट जो कि स्टार्ट हुआ था 1973 में चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश से। ओके, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। इनमें से बताना है कि कौन सा केमिकल चेंज है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेकिंग अ केक, ये जो है ये केमिकल चेंज है क्योंकि इसमें जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा पड़ता है वो एक केमिकल रिएक्शन करता है, बाकी सारे जो है वो फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस एक फिजिकल चेंज है, रिवर्सिबल चेंज है, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम अगेन ये एक फिजिकल फिनोमिना है, एंड लाइटनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ये भी फिजिकल चेंज है। तो हमारा केमिकल चेंज है बेकिंग अ केक, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच जेल वॉज अशफाकुल्ला खान डिटेन आफ्टर बींग कॉट इन काकोरी केस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फैजाबाद। तो काकोरी कांड में जो पकड़े गए थे अशफाकुल्ला खान, उनको किस जेल में बंद किया गया था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। आंसर हो जाएगा फैजाबाद की जेल में उन्हें बंद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन द एटमोसफियर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिससे ह्यूमिडिटी जो होती है एटमोसफियर की वो मेजर की जाती है, वो है हाइग्रोमीटर। इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन वॉज पब्लिश ऑन 17th ऑफ ऑगस्ट 1947 एज अ बाउंड्री डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अपॉन द पार्टीशन ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, रैडक्लिफ लाइन। सो हमें बताना था कि इनमें से कौन सी लाइन है जो कि पब्लिश हुआ 17th ऑफ ऑगस्ट 1947 में एज अ बाउंड्री डिमार्केशन लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का, ठीक है। सो वो थी रैडक्लिफ लाइन। अगर इसमें जो इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन है वो इकलौती रैडक्लिफ लाइन ही है क्योंकि बाकी जो सारी है वो दूसरे कंट्री के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जिसके ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं तो वो है पाल्क स्टेट लाइन जो कि इंडिया और श्रीलंका की बॉर्डर लाइन को कहा जाता है। देन है डूरंड लाइन जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन को कहा जाता है, एंड मैक महन लाइन जो कि इंडिया और चाइना की बॉर्डर लाइन को कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज अ फाउंडर ऑफ विच डायनास्टी। आंसर हो जाएगा स्लेव डायनास्टी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन इंसुलिन। इंसुलिन के अंदर में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो वो है जिंक, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन विच ईयर। आंसर हो जाएगा 1526 में जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो हुआ था, एंड इस बैटल में बाबर ने इब्राहिम लोदी को जो है वो डिफीट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेमांगसी मोनास्ट्री इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो पेमांगसी मोनास्ट्री जो है वो इंडिया के कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये हमें बताना था। वो सिक्किम में लोकेटेड है जो कि फाउंड हुआ था 1705 में, और ये सिक्किम का सेकेंड ओल्डेस्ट मोनास्ट्री है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप ऐप स्टोर दैट होस्ट मोर देन 965 लाइव ऐप्स फ्रॉम वेरियस डोमेन्स एंड कैटेगरीज ऑफ पब्लिक सर्विसेज। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। सो ये इंडिया का पहला इंडिजिनसली डेवलप ऐप स्टोर है जो कि मोर देन 965 लाइव एप्लीकेशन को अलग अलग डोमेन से एंड अलग कैटेगरीज जो पब्लिक सर्विसेज की है वो ये प्रोवाइड करेगा। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडियन ह्यूमन मिशन इन टू अ स्पेस हुज ऑब्जेक्टिव इज टू डेमोन्स्ट्रेट इंडिजिनस कैपेबिलिटी टू अंडरटेक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन टू लो अर्थ ऑर्बिट. सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए गगनयान. ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है. इसके बारे में ऑलरेडी एक क्वेश्चन हमने ऊपर डिस्कस किया. सो इसका नाम है गगनयान. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ये 2022 में लॉन्च होने वाला था बट इसे अभी डिले कर दिया गया है एंड ये मिशन जो है 2023 में लॉन्च होने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्विन सीटर ट्विन इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट फ्लाइटर एयरक्राफ्ट जॉइंटली डेवलप बाय द सुकोई डिजाइन ब्यूरो ऑफ रशिया एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फॉर द इंडियन एयरफोर्स. सो हमें उस ट्विन सीटर ट्विन इंजन कॉम्बैट फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम बताना है जो कि सुकोई डिज़ाइन ब्यूरो ऑफ रशिया और HAL ने इसे डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है इंडियन एयरफोर्स के लिए. तो उसका नाम है SU-30 MKI. ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एक्सेलरेट AI लेड इनोवेशन इन इंडिया द NASSCOM हैज अनाउंस द AI गेम चेंजर प्रोग्राम इन March 21. Which of the following companies is the innovation partner for this program? So, एक AI led innovation लाने के लिए इंडिया में NASSCOM ने जो है अनाउंस किया है AI game changer program को March 21 में. So, इनमें से कौन सी कंपनी जो है वो पार्टनर रहेगी इस प्रोग्राम के लिए? तो वो है माइक्रोसॉफ्ट. ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट एवर एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट. सो कौन से साल में इंडिया ने लॉन्च किया था उनका पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट? उसका नाम था आर्यभट्टा जो कि 19th of April 1975 में लॉन्च किया गया था. ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डांडी मार्च ऑल्सो नोन एज सॉल्ट मार्च एंड द डांडी सत्याग्रह लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट. आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. सो दांडी मार्च जिसे कि सॉल्ट मार्च भी कहा जाता है एंड दांडी सत्याग्रह भी कहा जाता है, तो उसने इनमें से कौन से आंदोलन के लिए नेतृत्व किया था? तो वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, बंदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया. आंसर हो जाएगा कर्नाटका. सो नेशनल पार्क रिलेटेड टू क्वेश्चन पूछे गए थे, एक जम्मू कश्मीर का पूछा गया था, नेक्स्ट सेकेंड कर्नाटका का पूछा गया था. सो बंदीपुर जो है वो कर्नाटका में है. ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो ये 35 क्वेश्चन जो है UPSSC की एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल है. आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, आप लोगों को पता चला होगा किस टाइप से क्वेश्चंस को पूछा गया, कौन से मंथ के करंट अफेयर को कवर अप किया गया, किस तरीके का जो स्टैटिक जीके कवर अप किया. ये सारी चीज़ आपको एनालाइज करनी है अकॉर्डिंगली. आपकी जो एग्जामिनेशन है 30th of January को, उसके लिए आप लोगों को प्रिपरेशन करना है. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप चाहते हो कि आने वाले सीरीज़ में आप लोगों को अच्छे क्वेश्चंस को और प्रिपेयर करना है आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी नया वीडियो है तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. आने वाले डेज में आप लोगों को जितने भी आपके टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं एग्जामिनेशन पे, उसके बेसिस पे सेशंस आप लोगों को देखने मिलेंगे. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.